वेल हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर वेरी वेल। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आज हमारी YT फैमिली 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, आज हमारी फैमिली के मेम्बर्स हो चुके हैं 10,000, तो काफ़ी खुशी की बात है आप सब के लिए, मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का ही है, आप सब हैं तभी मैं हूँ। ठीक है, आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं इसीलिए मैं अपलोड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिगिनर्स लोगों के लिए जो गिटार सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने बिगिनर्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी गिटार लेसन्स की, मतलब जो जो अभी इसी लॉकडाउन में मतलब गिटार वगैरह नया खरीदे हैं, तो उनको स्टार्टिंग में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो छोटी छोटी बातें जो सारी ज़िंदगी के लिए काम आती हैं। ठीक है, उन्हें शायद कोई बताता नहीं आमतौर पर, बट हम बताएंगे, इसीलिए तो आप हमारे चैनल पर हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रेस फिंगर्स। ठीक है, मतलब क्लियर साउंड कैसे प्ले करें। तो बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें फिंगर प्रेस नहीं करना आ रहा है, हमें अभी हफ्ता हुआ गिटार खरीदे, या फिर महीना तो नहीं कह सकते, 10-15 दिन हुए हैं, तो मतलब हम कैसे फिंगर प्रेस करें, पेन हो रहा है फिंगर्स में। मतलब काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं ये, मतलब हर किसी को आती हैं जब भी कोई बिगिनर्स होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आज छोटा सा वीडियो है ये कि फिंगर्स कैसे प्रेस करें, मतलब स्ट्रिंग्स कैसे प्रेस करें, सॉरी। तो सबसे पहले बात आती है कि पेन की। तो भाई देखो, अगर आप बेटर साउंड चाहते हैं, जितना अच्छे से आप प्रेस करोगे उतना अच्छा साउंड आएगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पेन तो आपकी फिंगर में होगा ही होगा, ज़्यादा देर तक नहीं, बस 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते ऐसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोना पड़ता है। ठीक है, तो फिंगर पेन तो होगा ही, क्योंकि स्टार्टिंग में वही चीज़ है, मैंने जैसे कि कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे पहले आपको मतलब फिंगर्स पेन तो होगा वही 1.5-2 हफ्ते तक, उसके बाद का मतलब आपकी फिंगर्स पक जाएंगी, फिंगर्स को आदत हो जाएगी, मतलब आपका जो मास है फिंगर्स का वो एकदम ठोस हो जाएगा, फिर उसको कोई स्ट्रिंग्स का असर नहीं पता चलेगा। ठीक है, बस आप स्टार्टिंग में बस ये 1.5 या 2 हफ्ते लगते हैं, थोड़ा बहुत पेन रहता है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी पेन रहता है यार, सीरियसली। बस उसे आप फेस करना, डीमोटिवेट नहीं होना, अदरवाइज काम बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी हमने फिंगर्स का कौन सा पार्ट मतलब प्रेस करना है स्ट्रिंग पे। ठीक है, मतलब मेन बात है स्ट्रिंग प्रेस कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारी फिंगर्स के जो ये वाले पार्ट हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके नेल्स यहाँ पर बड़े हैं मतलब ये वाले लेफ्ट हैंड के, तो सबसे पहले उसे बिल्कुल काट लीजिए। ठीक है, इस वाले हैंड के जिससे हम स्ट्रमिंग करते हैं, इसके नेल्स चल जाते हैं थोड़े बड़े ही काफ़ी अच्छे रहते हैं, बट इसके बिल्कुल छोटे कर लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल छोटे नेल्स कर लीजिए, और फिंगर्स का हमने ये वाला पार्ट है जो हमारा ये वाला, ये देखिए ये प्रेस करना है हमने। ठीक है, एक मिनट मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा प्रेस करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपको निशान दिख रहे होंगे, राइट, ये पार्ट हमने प्ले करना है इससे पार्ट से। कैसे प्रेस करना, देखिए हमारा हाथ जो है वो यहाँ ऐसे होना चाहिए, एक मिनट, हमारी फिंगर्स जो है वो खड़ी रहनी चाहिए फ्रेट बोर्ड पे, देखिए जैसे यूं। ठीक है, ऐसे फिंगर्स नहीं होनी चाहिए, ये तो बाकी स्ट्रिंग्स को परेशान करेगी। जोन सी भी हमने स्ट्रिंग प्रेस करनी है, मैं फिलहाल कोई कोड नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट प्रेस करना बता रहा हूँ, जितने भी कोड्स हैं आप इसी टेक्निक से प्रेस करोगे। ठीक है, इन फ्यूचर आपने सीधी उंगल लेनी है, थंब जो हमारा ऐसे रखना है, पहले जैसे हम थम्स अप देते हैं उसको यूं अपर पीछे सपोर्ट दीजिए ऐसे, एक सेकंड बताता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ऐसे प्रेस करना है, ये देखिए ऐसी, और जो हमारा फ्रेट के नीचे का डिस्टेंस है ये देखिए, आई थिंक मैं आपको शो करा पा रहा हूँ, ये देखिए ये ऐसे बीच में ऐसे साथ नहीं लगा रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, और आपने पूरी जी जान से कह सकते हैं हम, मतलब जब तक आपका साउंड क्लियर ना आए प्रेशर डालते रहना है। आपकी फिंगर्स पे पेन होता है, होने दो भाई, होने दो, 1.5 हफ्ता लगेगा कम से कम फिंगर्स पकने में, उसके बाद आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना, यही हमारी मतलब स्टेज होती है कि अगर हम इसको फेस करके तो बंदे की चढ़ाइए ही चढ़ाइए। ठीक है, हमने ये जो ये वाला पार्ट है आगे वाला, इससे प्रेस करना है। कई लोग ऐसे प्रेस करते हैं स्टार्टिंग में, वो काफ़ी गलत चीज़ है। सीधी सीधी फिंगर्स ऐसे देखिए, जैसे ये खड़ी फिंगर्स है ऐसे, ठीक है, जैसे शेर का पंजा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके मतलब हाथ लूज करना है,
और प्रेस करना तो जान लगा देनी है पूरी, ठीक है। पीछे थंब का सहारा रहेगा, ऐसे नहीं कर लेना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, पीछे थंब का सहारा रहेगा, राइट। और ऐसे खड़ी फिंगर रहेगी, ठीक है। तो जितना अच्छे से प्रेस करोगे उतना क्लियर साउंड निकलेगा। अगर मैं हल्का सा ऐसे दबा दूँ, देखिए कितना बजिंग है, ठीक है। तो वही बात है, पहले जान निकालनी पड़ती है, थोड़ी सी जान लगती है, थोड़ा सा पेन होता है बाद में, फिर आपकी मतलब गिटार का साउंड उतना ही इंप्रेसिव साउंड करेगा, लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, राइट। लोग क्या अट्रैक्ट होंगे यार, अगर आप अच्छा म्यूजिक गाते हैं, अच्छा संगीत सीखते हैं, संगीत अच्छा मतलब प्ले करते हैं, गाते बजाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बंदे को फिर लोगों की चिंता नहीं रहने लग जाती है ना, वो बंदा अपने आप में मस्त रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाया होऊंगा। एक बार फिर मैं आपको दिखा शो कराना चाहूँ तो ये देखिए, हमने ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। कोई थल्ले साथ में हमारा पाम फ्रेटबोर्ड पे ना लगे और खड़ी फिंगर्स रहे। पेन काफ़ी होगा स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे ठीक कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर कीजिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे पेन एकदम घटता रहेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जिम जाते हैं तो ऐसे यही हाल होता है, 3-4 दिन या फिर हफ्ता हमारी मसल्स काम करना ही मतलब कह सकते हैं ना, बुरा हाल हो जाता है, यू नो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।